हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो अभी चल रहा है हमारा करंट अफेयर्स सीरीज, जिसमें हम लोग ले रहे हैं 2018 के करंट अफेयर्स जो होंगे जनवरी से अक्टूबर तक। इसके बाद अक्टूबर के बाद फिर हम लोग दूसरे 2 महीने का लेंगे। तो इसमें हमारा 2 वीडियोस हो चुका है, जिसमें जनवरी और फरवरी मंथ का कवर किया है हम लोगों ने। आज हम लोग करने वाले हैं मार्च का करंट अफेयर्स, जो पूरा मार्च का होगा। अगर पुराना वीडियोस आपने नहीं देखा है तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप आराम से सारे वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज मार्च का करंट अफेयर। तो मार्च का आपका पहला क्वेश्चन है कि 1 मार्च 2018 को महाराष्ट्र ने अपना पहला मेगा फूड पार्क किस जिला में बनाया है। तो महाराष्ट्र ने अपना पहला मेगा फूड पार्क किस जिले में बनाया है, ये बनाया है सतारा जिले में। कहाँ बनाया है, सतारा जिले में महाराष्ट्र का पहला मेगा फूड पार्क बनाया है। अगला है कि 3 मार्च 2018 को विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क शक्ति स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये किया गया कर्नाटक के तुमकुल जिले के धर्मनी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला, शक्ति स्थल क्या है? तो शक्ति स्थल यह विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क है। ठीक है, क्या है नाम इसका, शक्ति स्थल। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, इसका उद्घाटन किया गया कर्नाटक में। पहला, अगर आपको ब्रॉडली क्वेश्चन पूछेगा तो आपको स्टेट डाल दिया जाएगा कहाँ किया गया शक्ति स्थल का उद्घाटन, कर्नाटक में। अब कर्नाटक के किस जिले में, तो तुमकुल जिले में। ठीक है, तुमकुल जिले में, और तुमकुल जिले के किस जगह पर, तो धर्मनी में। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों याद रखना है। डायरेक्ट आपको धर्मनी भी दे सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों इंक्लूड कर लिया कि कर्नाटक के तुमकुल जिले के धर्मनी में पहला विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क जो है शक्ति स्थल, इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो ये बनी है नवजोत कौर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कौन सा टूर्नामेंट है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला है, कौन है, नवजोत कौर। किस चीज में, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक, तो स्वर्ण पदक, और यह पहली भारतीय महिला है, कौन है, नवजोत कौर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 3 मार्च 2018 को आईबीएसएफ स्नूकर टीम विश्व कप का खिताब किसने जीता, आईबीएसएफ स्नूकर टीम विश्व कप खिताब ये किसने जीता, ये जीता भारत ने पाकिस्तान को हराकर। किसने जीता, भारत ने जीता पाकिस्तान को हराकर, और ये कब हुआ, 3 मार्च 2018 को। अगला है, 3 मार्च 2018 को बीजेपी ने 25 साल के वामपंथी सरकार को हराकर किस पूर्वोत्तर राज्य में 48 सीटों के साथ शानदार जीत हासिल की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको लग रहा होगा कि ये स्टेट वाइज क्वेश्चन है, लेकिन ये पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो कि बीजेपी ने 25 साल के वामपंथी सरकार को हराया है वहाँ पे, यानी 25 साल से लगातार वहाँ पे वामपंथी दलों का सरकार था, और इसको हराकर बीजेपी ने वहां पे अपना राज्य सरकार स्थापित किया है। वो कौन सा राज्य है, वो है त्रिपुरा। ठीक है, और इन्होंने 48 सीटों के साथ शानदार विजय हासिल की थी, यानी 48 सीटों पे वो उन्होंने जीत हासिल की थी बीजेपी ने, तो ये राज्य है त्रिपुरा। और त्रिपुरा में जीत हासिल करने के बाद वहां के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, वो हैं बिप्लव कुमार देव। कौन है, बिप्लव कुमार देव, ये हैं सीएम, और कप्तान सिंह सोलंकी ये हैं वहाँ के गवर्नर। ये दोनों आपको याद रखना है कि इस बार जो बीजेपी की सरकार बनी है तो उसके सीएम कौन है, बिप्लव कुमार देव, ये भी आप याद रखना। और त्रिपुरा की राजधानी कहाँ, यह है अगरतला, आप सबको पता होगा। अगला है, 4 मार्च 2018 को किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक पहुँच और विकास गतिविधियों में खुद को शामिल करने के लिए आमा गांव आमा विकास, क्या है, आमा गांव आमा विकास कार्यक्रम की शुरुआत की, यह ओडिशा सरकार ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आमा गांव आमा विकास कार्यक्रम का शुरुआत किसके द्वारा किया गया, यह किया गया ओडिशा सरकार के द्वारा। कौन सा कार्यक्रम, आमा गांव आमा विकास। अगला है, 4 मार्च 2018 को किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के साथ साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, यह है शाहजार रिजवी। मैंने बहुत बार बोला है कि आपके लिए इस क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि शाहजार रिजवी किस फील्ड से हैं या किस खेल से हैं। तो सबसे पहले शाहजार रिजवी एक खिलाड़ी हैं और वह निशानेबाजी से हैं। किससे हैं, निशानेबाजी से। इसके बाद आपको याद रखना है कि वह एक भारतीय निशानेबाज हैं जिन्होंने
आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ये थर्ड क्वेश्चन आपका है, लेकिन पहला क्वेश्चन जो आपको याद रखना है वह शहजार रिजवी का नाम। शहजार रिजवी ये किस फील्ड से है? यह निशानेबाजी से है। शहजार रिजवी यह एक भारतीय निशानेबाज है। अगला, 4 मार्च 2018 को पहली बार किस देश में महिला मैराथन आयोजित किया गया? यह है सऊदी अरब। तो देखो, अभी तक मैंने बहुत बार ये बताया हुआ है कि अभी हाल फिलहाल जो भी चीज़ महिलाओं के लिए खासकर हो रहा है या महिलाओं के द्वारा पहली बार किया जा रहा है, तो उन सब में आपका 90% चांसेस हैं वो सऊदी अरब होगा, क्योंकि सऊदी अरब में अभी महिलाओं के लिए बहुत चीज़ किया जा रहा है। तो आपको अगर तुक्का भी लगाना है तो आप 90% श्योर रहो कि आपने अगर सऊदी अरब लगाया तो वो सही होगा। अगला है, 4 मार्च 2018 को कृष्णा कुमारी किस देश की पहली महिला दलित हिंदू सीनेटर राज्यसभा सांसद बनी है? यह है पाकिस्तान। क्या नाम है इनका? इनका नाम है कृष्णा कुमारी। क्या है? कृष्णा कुमारी। और यह पाकिस्तान की पहली महिला दलित हिंदू सीनेटर राज्यसभा सांसद हैं। कौन है? पहली महिला दलित हिंदू राज्यसभा सांसद। कौन है? क्या है नाम इनका? कृष्णा कुमारी। और यह है पाकिस्तान की। अगला, 5 मार्च 2018 को 9वें ऑस्कर अवार्ड के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये किया गया द शेप ऑफ वाटर। और इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर हैं गुइलेरमो डेल टेरो। कौन है? गुइलेरमो डेल टेरो। कौन से मूवी को ऑस्कर अवार्ड के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? ये मिला है द शेप ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप याद रखना। और ये कैमा ऑस्कर था, ये 90th ऑस्कर था, यानी 9वां ऑस्कर था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला द शेप ऑफ वाटर, जिसके डायरेक्टर हैं गुइलेरमो डेल टेरो। 5 मार्च 2018 को सिग्मोत्सव 2018 कहाँ आयोजित किया गया? कौन सा उत्सव है? सिग्मोत्सव 2018, इसका आयोजन क्या गया? गोवा में। कहाँ क्या गया? गोवा में। 5 मार्च 2018 को ताल मेमोरियल रैपिड शतरंज का खिताब किसने जीता? ताल मेमोरियल रैपिड शतरंज का खिताब किसने जीता? ये जीता गया विश्वनाथन आनंद के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वनाथन आनंद के द्वारा, जो एक इंडियन शतरंज प्लेयर हैं। इन्होंने ताल मेमोरियल रैपिड शतरंज का खिताब जीता 5 मार्च 2018 को। अगला क्वेश्चन है कि 5 मार्च 2018 को भारत इजराइल संबंध पर किस पत्रिका का शुभारंभ किया गया? ये क्या गया? नमस्ते सालोम नामक पत्रिका का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और इजराइल संबंध पर एक पत्रिका का शुभारंभ किया गया, उसका नाम है नमस्ते सालोम। और इसके संपादक कौन है, ये भी आपसे पूछा सकता है। इसके संपादक है तरुण विजय। कौन है? तरुण विजय। और इसका नाम है नमस्ते सालोम, और यह भारत इजराइल संबंध पर एक पत्रिका। अगला, 5 मार्च 2018 को किस राज्य सरकार ने राज्य में स्कूल जाने वाली लड़कियों को मुफ्त सेनेटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए एक खुशी नामक योजना का शुभारंभ किया? यह है उड़ीसा सरकार। तो आपको याद रखना है खुशी योजना ये लड़कियों के लिए है, मुफ्त सेनेटरी नैपकिन प्रदान किया जाएगा इसके अंतर्गत, और यह है उड़ीसा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक योजना। क्या है योजना का नाम? खुशी। अगला है, फिक्की फ्रेम्स 2018 कहाँ आयोजित किया गया? फिक्की फ्रेम्स 2018 यह आयोजित किया गया मुंबई में। कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। 6 मार्च 2018 को कहाँ अब तक के सबसे बड़े समुद्री नौसैनिक अभ्यास मिलन 2018 का आयोजन आरंभ हुआ? ये हुआ अंडमान निकोबार में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलन 2018 ये कैसा अभ्यास है? यह समुद्री नौसैनिक सैन्य अभ्यास है, और इसका आयोजन 2018 में कहाँ हुआ? ये हुआ अंडमान निकोबार में। इसमें टोटल कितने देशों ने भाग लिया? टोटल 16 देशों ने इस बार भाग लिया है, ठीक है, 2018 में जो हुआ इसमें टोटल 16 देशों ने भाग लिया। और ये मिलन अभ्यास जो है, यह अभ्यास 1995 से ही शुरू हुआ है। कब से हुआ है? 1995 से। और इस बार जो पार्टिसिपेट किया था वह टोटल 16 देशों ने किया था, और हुआ अंडमान निकोबार में। 16 मार्च 2018 को भारत की पहली हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई? ये की गई बेंगलुरु में। कैसी सेवा है ये? पहली हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा है, यानी आप टैक्सी की तरह हेलीकॉप्टर को भी आप बुला सकते हो। तो हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू हुई? ये हुई बेंगलुरु में।
अगला 7 मार्च 2018 को फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी विश्व की अरबपतियों की सूची में सबसे ऊपर कौन है? फोर्ब्स ने एक पत्रिका, फोर्ब्स पत्रिका आप सब जानते हो, इसने एक लिस्ट जारी किया है विश्व की अरबपतियों की, उसमें से सबसे ऊपर है अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस, ये है अमेजन के संस्थापक और यह फोर्ब्स के लिस्ट में सबसे ऊपर के अरबपति हैं। अगला है 7 मार्च 2018 को किसे नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया? नारी शक्ति पुरस्कार 2018 किसको मिला? ये मिला गीता मित्तल को। किसको मिला? गीता मित्तल को 2018 का नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला है 8 मार्च 2018 को भारत के किस मशहूर वास्तुकार को इस साल के वास्तुकला का सर्वोच्च सम्मान प्रीत्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको प्लीजर पुरस्कार से कंफ्यूज मत करना, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें इसको प्लीजर पुरस्कार से कंफ्यूज कर जाते हैं। यह है प्रीत्जर पुरस्कार, प्रीत्जर पुरस्कार, और वो होता है प्लीजर पुरस्कार जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और प्रीत्जर पुरस्कार दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में। तो इस बार बालकृष्ण दोषी को प्रीत्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना किसको मिला? बालकृष्ण दोषी को, और है ये क्या? प्रीत्जर पुरस्कार। और ये दिया किस क्षेत्र में जाता है? आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्रीत्जर पुरस्कार किस फील्ड से रिलेटेड है, तो यह रिलेटेड है वास्तुकला से, और प्लीजर पुरस्कार वह रिलेटेड है आपके पत्रकारिता से। अगला है 9 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति देते हुए इसे कौन सा अधिकार बताया? इसको बताया गया सम्मान से मरने का अधिकार। अभी हाल ही फिलहाल में आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने भारत में भी इच्छा मृत्यु का अनुमति दिया है और इसको बताया सम्मान से मरने का अधिकार। इसको इंग्लिश में बोला जाता है यूथनेशिया। आपको बहुत बार ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है यूथनेशिया को भारत में परमिशन मिला है या नहीं मिला है, तो हाँ अब 2018 से यूथनेशिया, कौन सा यूथनेशिया को मिला ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यूथनेशिया दो तरह का होता है, एक एक्टिव और एक पैसिव, तो पैसिव यूथनेशिया को भारत में परमिशन मिला है। अगला है 10 मार्च 2018 या मार्च मिसिंग है, 10 मार्च 2018 को प्रतिष्ठित सुल्तान अजलन शाह हॉकी का खिताब किसने जीता? तो 10 मार्च 2018 को आयोजित हुआ था सुल्तान अजलन शाह हॉकी खिताब, यह किसने जीता? यह जीता गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इंग्लैंड को हराकर, ठीक है। तो 2018 का अजलन शाह हॉकी खिताब, अजलन शाह हॉकी खिताब किसने जीता? ये जीता ऑस्ट्रेलिया ने, और हराया किसको? तो इंग्लैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब जीता। अगला क्वेश्चन है कि 10 मार्च 2018 को किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए भारत के पहले इंक्यूबेटर का शुभारंभ किया? तो भारत का पहला इंक्यूबेटर का शुभारंभ किया गया महिलाओं के लिए, यह कहां किया गया, किस सरकार के द्वारा किया गया? यह किया गया तेलंगाना सरकार के द्वारा, भारत का पहला इंक्यूबेटर महिलाओं के लिए शुरू किया गया तेलंगाना सरकार के द्वारा। अगला है 10 मार्च 2018 को अपने ध्वज का अनावरण करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया? ये बन गया है कर्नाटक, जिसने अपने ध्वज का अनावरण किया है, यानी कर्नाटक का अब अपना झंडा होगा। और यहां से अब आपको ये याद रखना है कि पहला राज्य ऐसा कौन सा था जिसने अपने ध्वज का अनावरण किया था, यानी जिसके पास अपना ध्वज है, तो वो राज्य जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के पास अपना झंडा है, और जम्मू कश्मीर के बाद कर्नाटक ऐसा दूसरा राज्य हुआ है जिसने अपना ध्वज का अनावरण किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जनरली ऐसा होता नहीं है कि किसी राज्य के पास अपना झंडा हो, लेकिन पहला तो जम्मू कश्मीर था और दूसरा ये कर्नाटक बना जिसने अपना झंडा लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है 1 मार्च 2018 को सरकार ने बैंक से कितने रुपए ऋण पर पासपोर्ट अनिवार्य किया है? यानी अगर 50 करोड़, यह आंसर है 50 करोड़ या उससे अधिक, अगर आपको 50 करोड़ या उससे अधिक लोन लेना है बैंक से तो आपको पासपोर्ट अनिवार्य रूप से चाहिए ही चाहिए। अगला है कि 11 मार्च 2018 को किस देश की संसद ने वहां के राष्ट्रपति के लिए 2 कार्यकाल की सीमा को हटाने संबंधी प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित किया? आप सबको पता होगा यह है चीन, चीन में अभी शी जिनपिंग वहां के राष्ट्रपति हैं, तो इनका 2 सेशन पूरा हो चुका था, और चीन में ऐसा रूल है कि वहां पे 2 ही सेशन तक कोई भी राष्ट्रपति रह सकता है, तो शी जिनपिंग को कंटिन्यू करने के लिए वहां के संसद ने इसको 2/3 बहुमत से एक बिल पारित किया कि ये लिमिट खत्म हो जाए, अब वहां पे कोई लिमिट नहीं है प्रेसिडेंट के टेन्योर के लिए।
अगला 12 मार्च 2018 को गोदावरी गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गोदावरी गौरव पुरस्कार, क्या पुरस्कार का नाम? गोदावरी गौरव पुरस्कार, इसे सम्मानित किया गया अमोल पालेकर को। किसको किया गया? अमोल पालेकर को। अगला 12 मार्च 2018 को राजस्थान सरकार ने कितने वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार में शामिल अपराधियों के लिए मौत की सजा देने वाले संशोधन बिल को पारित कर दिया? यह 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चों के साथ। तो इससे पहले मध्य प्रदेश ने भी ऐसा एक रूल पास किया था, एक ऐसा बिल पास किया था जिसमें इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले को मौत की सजा सुनाई जानी थी, और अब राजस्थान ने भी इसको मार्च 2018 को ऐसा बिल पारित किया है। अगला 13 मार्च 2018 को केंद्र ने किन दो राज्यों के बीच महानदी जल विवाद हल करने के लिए न्यायाधिकरण का गठन किया है? यह छत्तीसगढ़ और ओडिशा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महानदी जल का विवाद किन दो नदियों सॉरी किन दो राज्यों के बीच है? यह है ओडिशा और छत्तीसगढ़। किन दो जगहों के बीच है? ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच। और इसको हल करने के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन किया गया है इन दो राज्यों के बीच के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। अगला है 13 मार्च 2018 को युवा वैज्ञानिक के उत्कृष्ट शोधों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थापित जीडी बिड़ला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये क्या गया? डॉक्टर राजन शंकर नारायणन को। किसको किया गया? डॉक्टर राजन शंकर नारायणन को। और ये कौन सा अवार्ड मिला इनको? इनको मिला जीडी बिड़ला पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? जीडी बिड़ला पुरस्कार 2018 का, ये मिला डॉक्टर राजन शंकर नारायणन को। अगला 13 मार्च 2018 को कहां पर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? कहां पर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? यह फहराया गया कर्नाटक के बेलागवी में। कहां फहराया गया? कर्नाटक के बेलागवी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप याद रखना कि अभी तक का भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया? कर्नाटक के बेलागवी में। अगला 15 मार्च 2018 को जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? यह दिया गया 133वां, और प्रथम स्थान है फिनलैंड। यानी हैप्पीनेस इंडेक्स जो जारी किया गया था उसमें भारत का स्थान कौन सा है? यह है 133वां, 133rd। और प्रथम स्थान पर यानी सबसे हैप्पीएस्ट नेशन कौन सा है? यह फिनलैंड। कौन सा है? फिनलैंड। तो आप यहां से याद रखना। अगला 15 मार्च 2018 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU की सर्वे 2018 के मुताबिक विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? यह सिंगापुर। तो EIU के रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? यह सिंगापुर। 16 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 105वें भारतीय विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? ये किया इम्फाल में। किस चीज का उद्घाटन? तो भारतीय विज्ञान सम्मेलन, और ये था 105वां। ठीक है, तो 2018 में 105वां भारतीय विज्ञान सम्मेलन मनाया गया, और इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इम्फाल में। अगला है 16 मार्च 2018 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के सदस्य देशों ने कब तक टीबी समाप्त करने की प्रतिबद्धता दिखाई है? तो यह है 2030 तक। आप इसमें कंफ्यूज मत करना, 2030 तक है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें 2022 मार देते हैं, तो आपको आंसर रखना है यार 2030 तक जितने भी WHO के मेंबर्स हैं उन्होंने ये तत्परता दिखाई है कि 2030 तक टीबी समाप्त करने के वो भरपूर कोशिश करेंगे। अगला है कि 16 मार्च 2018 को मृत्यु दंड के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया? यह है ओक्लाहोमा। क्या है? ओक्लाहोमा। ओक्लाहोमा ये अमेरिका का वो पहला राज्य है जो मृत्यु दंड के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करेगा। अगला है 16 मार्च 2018 को अभिनेता जैकी श्रॉफ की किस लघु फिल्म ने लॉस एंजल्स में सर्वश्रेष्ठ भारतीय लघु फिल्म समारोह के पुरस्कार को जीता है? यह है शून्यता। इंपॉर्टेंट है, अब याद रखना कि शून्यता यह है जैकी श्रॉफ का एक लघु फिल्म जिसको लॉस एंजल्स में सर्वश्रेष्ठ भारतीय लघु फिल्म समारोह में पुरस्कृत किया गया। अगला है 17 मार्च 2018 को जारी विश्व आर्थिक मंच ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 114 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? यह है 78वां, यानी 78। तो 114 देश इसमें शामिल था, किसमें? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में, और इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला? ये मिला 78वां।
19 मार्च 2018 को जस्टिस पीवी रेड्डी की अध्यक्षता में बनाए गए राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने जजों के वेतन में कितने वृद्धि की सिफारिश की है? ये की है 30% की वृद्धि की। तो जजों के वेतन में वृद्धि के लिए एक टीम बनाया गया था, ठीक है, एक कमेटी का गठन किया गया था जो जस्टिस पीवी रेड्डी की अध्यक्षता में था, ठीक है। कौन थे? पीवी रेड्डी, ये थे अध्यक्ष उस आयोग के, और उस आयोग ने ऐसा फैसला सुनाया कि जजों के वेतन में 30% वृद्धि होनी चाहिए। अगला है, 21 मार्च 2018 को किस राज्य सरकार द्वारा कटहल को राज्य का आधिकारिक फल घोषित किया गया? यह है केरल। तो केरल राज्य का आधिकारिक फल किसको घोषित किया गया? यह किया गया कटहल को। अगला, 21 मार्च 2018 को झारखंड में किन भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप याद रखना कि झारखंड में दूसरी राजभाषा का दर्जा एक नहीं बल्कि चार ऐसे भाषा को दिया गया है। कौन कौन सा है वो? मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका। इन चारों भाषा को झारखंड में दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अगला है, 21 मार्च 2018 को किस गणितज्ञ ने 2018 का एबेल पुरस्कार जीता? ये जीता गया है कनाडा के गणितज्ञ रॉबर्ट लॉन्ग लैंड्स के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट लॉन्ग लैंड्स के द्वारा। यानी 2018 का एबेल पुरस्कार किसने जीता? ये जीता रॉबर्ट लॉन्ग लैंड्स के द्वारा। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया, एबेल पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है? ये दिया जाता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। ये किसी ना किसी गणितज्ञ को यानी मैथमेटिशियन को ये अवार्ड मिलता है। अब बहुत बार ये पूछा गया है कि मैथ के फील्ड में नोबेल के तुल्य कौन सा पुरस्कार है? यह है एबेल पुरस्कार। तो ये भी आप याद रखना। अगला है, 23 मार्च 2018 को किस राज्य सरकार ने किसी एक समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जा दिया है? अब आपको ये बताना है कौन सा वो राज्य है और किस एक समुदाय को उसने अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है, वो भी आपको बताना है। तो वह कर्नाटक राज्य, ठीक है, कर्नाटक राज्य में लिंगायत समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप याद रखना, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिंगायत समुदाय कौन से राज्य से संबंधित है जहां पे अभी ऐसा ऐसा घटना हुआ है। तो यह है कर्नाटक राज्य से संबंधित। अगला, 25 मार्च 2018 को पेरू के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? यह मार्टिन विजकारा। कौन है? मार्टिन विजकारा कौन है? यह पेरू के नए राष्ट्रपति। कहां के राष्ट्रपति हैं? पेरू के नए राष्ट्रपति। कौन है? मार्टिन विजकारा। अगला, 25 मार्च 2018 को किस क्रिकेट कप्तान को गेंद से छेड़छाड़ करने के आरोप में कप्तानी से हाथ धोना पड़ा? तो कौन से क्रिकेट टीम के कप्तान है जिनको गेंद से छेड़छाड़ करने के आरोप में कप्तानी से हाथ धोना पड़ा था? तो यह है ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ। आपको पता होगा कि यह बहुत ही चर्चे में था और बहुत न्यूज में था कि ऑस्ट्रेलिया के टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ ने गेंद के साथ छेड़छाड़ किया था, इसी कारण से उनको अपने पद से हाथ धोना पड़ा और कप्तानी भी गंवानी पड़ी। अगला है, 25 मार्च 2018 को किसे जी रेड्डी पुरस्कार प्रदान किया गया? जी रेड्डी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया 25 मार्च 2018 को? यह है करण थापर। तो करण थापर को 25 मार्च 2018 को जी रेड्डी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है, 25 मार्च 2018 को आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता? यह है भारत की मनु भाकर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाकर या भकर जो भी आपको इसको पढ़ना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मनु भाकर या मनु भाकर किस फील्ड से संबंधित है? तो यह एक या शूटिंग से संबंधित है। और आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, इस कारण से यह भी बहुत चर्चे में रही है। अगला है, 26 मार्च 2018 को ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? ये जीता गया है सेबेस्टियन बेटल के द्वारा। किसके द्वारा? सेबेस्टियन बेटल के द्वारा। कौन सा? ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स का खिताब। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स का खिताब। अगला, 26 मार्च 2018 को एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का शीर्षक किसने जीता? एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप ये जीता गया पंकज आडवाणी के द्वारा। किसके द्वारा? पंकज आडवाणी के द्वारा, जो एक भारतीय बिलियर्ड प्लेयर है। तो ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीता गया? ये जीता गया सेबेस्टियन बेटल के द्वारा। और एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता गया पंकज आडवाणी के द्वारा। अगला, 27 मार्च 2018 को 100% सोलर पावर स्वास्थ्य केंद्रों के लिए पहला जिला कौन बना? यह है सूरत।
तो सूरत देश का ऐसा पहला जिला बना जो 100% सोलर पावर स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने में सक्षम है, वो कौन सा है? वो है सूरत। अगला है 28 मार्च 2018 को भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ खोला गया? इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला कीट संग्रहालय, कैसा संग्रहालय है? कीट संग्रहालय है, ये कहाँ खोला गया? ये खोला गया तमिलनाडु में। कहाँ खोला गया? तमिलनाडु में भारत का पहला कीट संग्रहालय खोला गया है। 28 मार्च 2018 को आयुष्मान भारत मिशन का CEO किसको नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 28 मार्च 2018 को आयुष्मान भारत कार्यक्रम का जो CEO है ये किसको नियुक्त किया गया? ये किया गया है इंदु भूषण को। किसको किया गया? इंदु भूषण को आयुष्मान भारत मिशन का CEO नियुक्त किया गया। इसके बाद 31 मार्च 2018 को विश्व स्तर का कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 31 मार्च 2018 को। दिवस मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं सारा दिवस इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ वो दिवस जो जनरली आप नहीं पढ़ते हो और जो इम्पोर्टेंट हो सकता है करंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। 31 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस के रूप में। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा मार्च का टोटल करंट अफेयर्स। इसके बाद हम लोग मिलेंगे इसके अगले मंथ के करंट अफेयर्स के साथ, और तब तक आप वीडियो को देखो और इसको एक या दो बार आप देखो ताकि आपको सारा करंट अफेयर्स जितना भी इसमें इंक्लूड हुआ है सब याद हो जाए, और आप वीडियो को जितना ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सको करो, ठीक है। चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।